हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा अनदर फेमस ब्रांड ड्यूअर्स। तो करता हूं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस विस्की के बारे में बताऊंगा। तो काफ़ी फेमस ब्रांड है ये भी वर्ल्ड वाइड, और बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है इसकी इंडिया में भी। काफ़ी ड्यूअर्स ब्रांड जो है काफ़ी पसंद करते हैं इंडिया में भी। तो जॉन ड्यूअर्स एंड सन्स का ये एक प्रोडक्ट है जो 1846 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, मींस मॉल्ट और ग्रेन इसमें दोनों का ब्लेंड हुआ, और 15 ईयर्स के लिए इसको मैच्योर किया गया है। पहले मैं आज इसका आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉक्स है, और टीन का ये बॉक्स है, काफ़ी सुंदर बॉक्स है। जैसी बॉटल लगती है इसकी, उससे अच्छा इसका बॉक्स लगता है। तो मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका एक बॉक्स दिया है, और मैं अब आपको इसकी बॉटल भी दिखा देता हूँ। बॉटल का भी लुक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल बॉटल है ये भी। क्लोज लुक दिखा देता हूँ मैं आपको, और मैं आपको बता दूँ ये भी जो है ड्यूअर्स 15 ईयर्स, ये भी एक इम्पोर्टेड विस्की है, स्कॉटलैंड से इंडिया इम्पोर्ट होती है। तो ये भी एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, मींस इसमें मॉल्ट और ग्रेन दोनों का ब्लेंड है। और जो मॉल्ट इसमें, जो सबसे ज़्यादा मॉल्ट जो इसमें यूज़ होता है, वो आता है एबरफेल्टी डिस्टिलरी से, जो स्कॉटलैंड के हाईलैंड रीजन में सिचुएटेड है। और 15 ईयर्स के लिए इसको 3 डिफरेंट कास्क में इसको मैच्योर किया गया है, ओक कास्क, शेरी कास्क एंड बर्बन बैरल्स। इन 3 डिफरेंट कास्क में 15 ईयर्स के लिए, जो टोटल इन कास्क में जो मैच्योर किया गया है वो 15 ईयर्स का ही टाइम है। तो काफ़ी अच्छी विस्की है, और बहुत अच्छी, मेरी भी फेवरेट विस्की है ये। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ इस विस्की को भी। तो 750 ml की ये बॉटल है, 40% इसका अल्कोहल स्ट्रेंथ है। मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में आपको जो इसके प्रोमिनेंट टेस्ट हैं वो मिलेंगे आपके फ्लोरल नोट्स, हनी, वेनिला, ड्राइड फ्रूट्स, स्पेशली वॉलनट का आपको इसमें बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। आप इसको नीट एंड ऑन द रॉक्स बहुत ईजिली पी सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जैसे 5000 रुपये इसका प्राइस है इन उत्तराखंड, तो उस हिसाब से ये देखा जाए कि ये भी एक 15 ईयर्स एज विस्की है, लेकिन इसमें भी आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस विस्की में, जिसे हम 150A बोलते हैं। कम से कम 15 ईयर्स एज विस्की एक नेचुरल कलर विस्की होनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा सा ड्यूअर्स को सोचना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ, जो 15 ईयर्स जो है ड्यूअर्स का, काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छी सेल होती है इसकी वर्ल्ड वाइड, और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा मानते हैं 15 ईयर्स एज्ड ड्यूअर्स को। बहुत अच्छी टेस्टी विस्की है ये, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हमेशा मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कम पिए और अच्छी पिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।